इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी हो जाएगा कि फर्स्ट लेंथ इसकी ये है. सो इनको मैं पहले रख रही हूँ यहाँ पे से नीचे वाले एंड उसके बाद वी हैव. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो. सो गाइज, बाय द टाइटल यू मस्ट हैव ऑलरेडी रेड दैट टूडेज वीडियो विल बी गोइंग टू बी अबाउट अ रिव्यू वीडियो. सो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगी कुछ प्रोडक्ट्स विच आई हैव परचेज फ्रॉम अमेजोन. एंड मुझे ना बहुत टाइम से मैंने ऐसी कुछ नॉर्मल सा ट्राईपॉड यूज़ करती थी अपनी वीडियो शूट के लिए. नाउ आई रियली नीडेड अ गुड ट्राईपॉड. उसके बाद मैंने बहुत सर्च करके अमेजोन से अपने लिए एक ट्राईपॉड मंगवाया है विच आई विल बी रिव्यूइंग इन दिस वीडियो. ऑल्सो मैंने एक क्लोथिंग बैग भी ऑर्डर किया है. सो आई जस्ट असेंबल इट एंड रिव्यू both the products today in this video. So let's start with the first product, which is a Savoy tripod. And this is the So guys, this is the tripod which I have received. And ये मुझे कुछ ऐसे packaging में receive हुआ है. This is a Savoy tripod. मैं link attach कर दूंगी description में और screen पे भी images pop up कर दूंगी इसकी. And this is what I have received. This is the tripod. ऐसे मुझे ये टैग में रिसीव हुआ है एंड मुझे इसके साथ एक ये स्टैंड भी रिसीव हुआ है. दिस इज द माउंट, वी कॉल दिस अ माउंट. एंड इसमें कैमरा फोन वगैरह अटैच कर लेते हैं. अभी मैं असेंबल करके दिखाती हूँ आपको. एंड दिस इज द एग्जैक्ट ट्राईपॉड विच आई हैव रिसीव्ड. एंड इसका जो बेस है ना, दैट इज एल्यूमिनियम. एंड नीचे इसके जो स्टैंड हैं ये रबड़ के हैं, दिस स्टैंड. एंड मुझे एडजस्टेबल लग रहा है. अभी मैं पूरा इसको असेंबल करके देखती हूँ ठीक से कि हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स. सो इसको ये यहाँ से ना ऐसे ओपन करना पड़ता है, ऐसे करके इसके थ्री स्टैंड्स ओपन करने पड़ते हैं. एंड काफ़ी अच्छी हाइट है इसकी. ऐसे ये पूरा ऐसे करके ना इसको ऐसे ओपन करना पड़ता है एंड ये पूरा ओपन हो जाता है. एंड वन मोर थिंग, जब इसको ऐसे ओपन करते हैं ना तो उसको ऐसे यहाँ से ऐसे क्लोज भी करना होता है लाइक दिस. ऐसे करके आई एम क्लोजिंग इट सो दैट ये फिक्स हो जाए अपनी पर्टिकुलर हाइट पे. सो अभी ना मैं इसको सबसे जो सबसे इसकी बिगेस्ट लेंथ है ना उसमें इसको ओपन कर रही हूँ. एंड इसको ना आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो. नॉर्मल लेंथ का करना है तो ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी हो जाएगा कि फर्स्ट लेंथ इसकी ये है. उसके बाद अगर आपको और इसको थोड़ा और लॉन्ग खोलना है तो यू कैन ओपन दिस सेकेंड वन एज वेल ऐसे. एंड देन ये थर्ड वाला. सो इसको मैंने सबसे बिगेस्ट लेंथ पे इसको ओपन कर दिया है. सो दिस इज द ट्राईपॉड. ऑल्सो गाइज, वन मोर थिंग कि इसके साथ ना वो फोन होल्डर वाला जो स्टैंड होता है ना वो नहीं आता. इट्स जस्ट दिस स्टैंड. इसके साथ ये आता है. आपको वो जो एक फोन होल्ड करता है स्टैंड, वो अलग से बाय करना पड़ेगा. मैंने अभी तक लिया नहीं है बट स्टिल मैं ये वाला लगा के दिखा देती हूँ. ऐसे इसमें ऐसे अटैच करते हैं. बहुत इजी टू असेंबल है ये. अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अपने लिए बाय करना है एक अंडर आ बजट एक ट्राईपॉड, सो आप इसको रिफर कर सकते हो. एंड बिगिनर्स तो डेफिनेटली इसको रिफर कर सकते हैं. ऑनेस्टली सेइंग, अगर आप बिगिनर हो एंड यू आर स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल या फिर कुछ भी, यू आर लुकिंग फॉर सम ट्राईपॉड, सो यू कैन डेफिनेटली रिफर टू दिस ट्राईपॉड. सो देखो मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया है और मैं अब इसमें आपको फोन लगा के दिखाती हूँ. सो मैंने अपने फोन को ऐसे लगा दिया है एंड दिस इज हाउ इट एग्जैक्टली टर्न्ड आउट. बट आपको स्टिल लेनी ही पड़ेगी अलग से जो एक फोन का माउंट होता है इसमें लगाने का, तभी ये अच्छे से स्टेबल आपका जो फोन का वेट है वो कैरी कर पाएगा. रादर देन दैट मुझे बहुत सही लगा क्योंकि ये बहुत स्टेबल है. मतलब इसका ये जो मटेरियल है ना, दैट इज वेरी स्टेबल. अगर आप कहीं पे बाहर शूट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे मतलब वाइड ओपन भी कर सकते हो, और अगर आपको कहीं इंडोर शूट करना है सो आप इसकी लेंथ को एडजस्ट करके इसको स्मॉल करके आप इंडोर शूट भी कर सकते हो. एंड मैं इसको ऐसे क्लोज कर रही हूँ. इसके जो हैंडल्स है ना ये वाले, दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी टू ओपन एंड क्लोज. दिस इज वेरी इजी टू क्लोज इट. बट वन नेगेटिव थिंग जो मुझे लगी इस ट्राईपॉड की, दैट इज ये कि जब मैं इसको इसकी बिगेस्ट लेंथ पे ओपन करती हूँ ना, मतलब जब ये पूरा अपनी हाइट पे ओपन हो जाता है, सो इसके जो स्टैंड है ना वो बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा स्पेस कैरी करता है ये.
पूरा ऐसे रखने की जगह चाहिए इसको रखने के लिए, बट मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको इतना ओपन करके अपने किसी स्टूल पे रख देती हूँ, सो दैट क्योंकि मेरे इस एरिया में इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको पूरा इसको बिगेस्ट लेंथ पे ओपन करूँ, सो मैं इसको इसकी इतनी लेंथ पे ओपन करती हूँ एंड देन आई कीप इट ऑन सम स्टूल एंड देन आई शूट इट विद दिस एंड दिस इज ऑल्सो वेरी एडजस्टेबल. आपको कोई भी रेशियो शूट करना है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. दैट इज इट फॉर दिस ट्राइपॉड गाइस. गाइस कमिंग टू द प्राइस पार्ट, दिस इज जस्ट फॉर 800 rupees एंड 800 rupees में आई गॉट दिस अमेजिंग ट्राइपॉड विच इज वेरी स्टेबल. टेबल पे रखने में इसको टेबल पे रख सकती हूँ एंड कहीं अगर मैं बाहर जा रही हूँ आई एम शूटिंग सम आउटडोर सो वहाँ पे भी मैं इसको शूट कर सकती हूँ. सो येस आई फाउंड दिस वेरी गुड ऑप्शन टू परचेज. सो गाइज मूविंग ऑन टू अनदर आइटम इज दिस क्लोदिंग रैक जो मैंने अभी तक ओपन भी नहीं करी है. मैंने बस इसको साइड से ऐसे सीजर से कट करके देखा था कि क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें, बट अभी मैं इसको ठीक से ओपन करके देखती हूँ कि इसमें एग्जैक्टली कैसे कैसे ये क्या क्या पार्ट्स मिले हैं जो हमें असेंबल करके इसको क्लोदिंग रैक बनाना है पूरा. इससे मैंने ये ऑर्डर करी है एंड इसको मैं एक पर्टिकुलर एरिया में अपने सेट कर दूंगी. सो अभी सबसे पहले सबसे मेन काम है इसको असेंबल करना, तो चलो साथ में करते हैं. सो गाइज लेट्स असेंबल इट टुगेदर एंड एक एक करके मैं देखूंगी कि इसमें क्या क्या पार्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं. ऑल्सो मुझे इसके साथ ये पेपर रिसीव हुआ है जिसमें एग्जैक्टली सारे स्टेप्स हैं कि इसको कैसे असेंबल करना है. दिस इज द पेपर विच आई हैव रिसीव विद इट एंड देखने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है. स्टैंड रिसीव हुआ है, दो ये ऐसे नीचे वाले एंड इसके सारे बहुत सारे ऐसे कुछ प्लास्टिक के पाइप्स भी हैं, पता नहीं है कहाँ पे लगेंगे, अभी देखते हैं. देखिए ऐसे राउंड वाला हैंडल रिसीव हुआ है इसके साथ और ऑल्सो गाइस इसके साथ ये स्क्रू भी रिसीव हुए हैं बहुत सारे मुझे. दिस इज द पैकेट विच आई विल रिसीव. ऐसे ये जो राउंड वाला है ये इसका टॉप मेटल पाइप है, ये वाला इसका मेन पाइप है जो इसे साइड में लगेगा. इसमें बहुत अच्छे से सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, सो इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको असेंबल करने का ट्राई कर रही हूँ. सो गाइस एज पर दिस इमेज जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है, नीचे के पोर्ट्स है उसमें सारे ऐसे ये लगाने हैं. सो मैं वही कर रही हूँ सबसे पहले. बटरफ्लाई नट्स हैं ये कहाँ पे लगेंगे, फिर मैंने फिगर आउट किया जब ये यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद वी पुट दिस बटरफ्लाई नट एंड उसके बाद हम इसको ऐसे करके टाइट कर देंगे. टाइटन कर रही हूँ नीचे से एंड ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है. सो ये स्टैंड हमारा लग गया है इसके ऊपर वाला भी, अभी मैं दिखाऊंगी पूरा फाइनल. Doesn't comes with a hanger. ये hanger अभी मैंने temporary ऐसे ही लगाए हैं and this is the final look. इसको तो just मैंने ऐसे attach कर दिया था and नीचे यहाँ पे जो दो rods हैं ये भी काफ़ी stable लग रही है मुझे कुछ अपने shoes and boots वगैरह रखने के लिए and ये भी इस पर काफ़ी अपने jackets and dresses वगैरह hang कर सकते हैं. सो गाइज ये तो रूम में बहुत ज़्यादा स्पेस कैरी कर रही है, बट आई माइट कीप इट बिकॉज आई एम लाइकिंग इट. मे बी मैं इसको हॉल वगैरह में कहीं या फिर कहीं पे ऐसे अच्छे से इसको रख दूंगी, मतलब ऐसे बार बार इसको अनअसेंबल करके इसको सेट करना दैट इज़ वेरी हेक्टिक. सो मैं भी एक बार में ही इसको असेंबल करके रख दूंगी एक पर्टिकुलर एरिया में अपने. सो येस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप इट्स हेल्पफुल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्लोदिंग रैक और ट्राईपॉड. सो आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज.